दोस्तों आज मैं फाइनली आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप देखते ही डाउनलोड कर लोगे। जी हाँ दोस्तों, इतनी अच्छी एप्लीकेशन है जो इसको आप देखते ही डाउनलोड कर दोगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो और बताते हैं आपको कौन सी एप्लीकेशन है जो आपको देखते ही डाउनलोड करने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गो फॉर स्टार्ट। सो हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्निकल SK। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा प्ले स्टोर में एप्लीकेशन का नाम है जो हमें लिखना पड़ेगा और वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी पहले, फिर आपको बताऊँगा कि कैसा का इसका काम है और क्यों आपको इतनी अच्छी ये पसंद आने वाली है। तो थोड़ा मेरा फ़ोन जो हैंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है साथ में, तो मैं यहाँ पर सिंपली सर्च बार में इसको सर्च करने वाला हूँ। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है माई डायलर। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसको मैं इंस्टॉल कर रखा है और इसके 4.5 की इसकी रेटिंग है, काफ़ी अच्छी रेटिंग है दोस्तों इसकी। और इसका नाम हम देख लीजिए आप, और मैं इसको ओपन करने वाला हूँ दोस्तों। और ओपन करने के बाद सिंपली दोस्तों आपके फ़ोन में कुछ अलग तरीके से ओपन होगी, आपसे कुछ पासवर्ड वगैरह मांगेगी और आपका जो पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगी एक नया, तो वो आपको बनाना पड़ेगा अच्छा सा जो किसी को पता ना चले। और दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, आप जैसे कि अब आपके फ़ोन में ये आ गई, आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया आपने, इसके बाद दोस्तों आप इसको कहीं पर सेट करके जैसे कि अब कोई भी बंदा देखेगा तो यहाँ से आप कॉल भी लगा सकते हो। जैसे कि हम किसी के बंदे पास कॉल लगाना चाहते हैं, यहाँ से कॉल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। और बाकी जो इसका खास काम है जिसके लिए मैं आपको ये इंस्टॉल करने पर मजबूर कर देगी, इसका जो खास काम है दोस्तों वो ये है, जैसे कि आप इसमें कोई भी कॉल भी कर भी सकते हो और इसके अंदर अपना कुछ भी छुपा सकते हो, जैसे कि अपना पर्सनल चीज, फ़ोटो या फिर गाना वगैरह या फिर कोई पर्सनल आईडी या फिर कुछ भी इसके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह आप कुछ भी छुपा सकते हो जो आप कभी किसी को दिखाना नहीं चाहते, अपने पर्सनल मैसेजेस, कुछ भी यहाँ पर डिटेल है जो आपके फ़ोन का डेटा है पूरा यहाँ पर आप सेव करके रख सकते हो और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, शक भी नहीं होगा किसी को कहीं आपने इसके अंदर कुछ छुपा रखा है। जैसे कि मैंने इसका एक पासवर्ड बना रखा है एकदम सिंपली सा, 1234 मैंने इसका एक पासवर्ड बना रखा है और मैं यहाँ पर डायल पर क्लिक करने वाला हूँ। और दोस्तों डायल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा हैंग चल रहा है मेरे फ़ोन का, मैंने बताया था अभी, तो यहाँ पर थोड़ा देखिए खुल रहा है मेरा फ़ोन अभी। उस नंबर पर कॉल तो लगाने, जब मैंने कॉल लगाया और यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो पहले से छुपा रखी थी, तो ये फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगी, अभी आ गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं टेक्निकल ऐस के ऊपर ही आ रही है। और यहाँ से हम सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्लस में करके यहाँ से और भी फ़ोटोस छुपा सकते हैं जो किसी को शक भी नहीं होगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर कोई बंदा अगर दोस्तों यहाँ पर कोई भी बंदा या फिर आपके बैकग्राउंड में कौन सी एप्लीकेशन चला रखी थी आपने कौन से चेक करेगा, तो उसमें यहाँ पर बैकग्राउंड में भी नहीं शो होती है वो एप्लीकेशन, बैकग्राउंड में भी नहीं आती है। और यहाँ पर दोस्तों सिंपली अब यहाँ पर कभी भी ओपन करेंगे तो कोई भी यहाँ पर जैसे मैं कॉल लगा के दिखा देता हूँ आपसे, यहाँ से कॉल लगती है कि नहीं, जैसे कि मैं 198 यहाँ पर इस नंबर पर कस्टमर केयर में कॉल लगाने वाला हूँ। और दोस्तों देखिए यहाँ से हमारी कॉल भी जो लग चुकी है और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, काट देता हूँ। थोड़ा ऐड आ गई इसको तो हटा देते हैं दोस्तों। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर कॉल भी लग गई हमारी और यहाँ पर हमारा पासवर्ड भी यही रहेगा 1234। हमें कुछ अच्छा सा पासवर्ड डाउनलोड बना लेना है आपको, मैंने तो ये सिंपली आपको दिखाने के लिए बना रखा था पहले से। और यहाँ पर हमारी वही फाइल खुल गई, यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स वगैरह, नंबर वगैरह, फाइल, यहाँ पर बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर छुपा सकते हो। और यहाँ पर कई सारी डिटेल आप देख सकते हैं नीचे, अलग अलग तरीके के यहाँ पर बहुत कुछ छेड़ने को मिल जाएगा आपको इसमें। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन बढ़िया लगी होगी और इसको आप इंस्टॉल कर लोगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास पहले से होगी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ लाइक कर दो और हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और ये दो साइड में ऊपर वीडियो आ रही है इनको भी जरूर देखें, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। तो गुड बाय फ्रेंड।